हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट जेई चैनल एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं यस yes, हमारे क्विज की जो सीरीज सीरीज चल रही है उस में आज हम चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है तो एओडी का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में टेंजेंट नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा से ओके okay? लेकिन सबसे पहले सब बच्चे जो हैं यस मेंटी ज्वाइन कर लेंगे गूगल पर जाइए मैंटी लिखिए और वहां पर कोड नंबर यूज कीजिएगा फाइव यस पहले सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे यूज द कोड नंबर फाइव सब बच्चों को ज्वाइन करना है जल्द से जल्द द कोड इज फाइव फोर टू वन सेवन जीरो और कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स पर आंसर मार्क नहीं करेगा सभी को जो आंसर मार्क करने यस मेंटी पर ही मार्क करने हैं दिस इज द कोड नंबर फाइव फोर टू वन सेवन जीरो ज्वाइन कीजिए पहले जल्द से जल्द और इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी आपके ग्रुप रहे हैं, दोस्तों के व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जल्द से जल्द सभी को ज्वाइन करना है यस yes, और एंड तक हमारे साथ बने हुए रहना है क्योंकि सबसे लास्ट में हम यस क्विज का विनर डिक्लेयर करते हैं आप लोग जानते ही हैं, हर बार हम क्विज का विनर डिक्लेयर करते हैं हो सकता है इस बार विनर आप ही हो लेकिन आपको एंड तक हमारे साथ बने हुए रहना पड़ेगा ओके पहले आप शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द यस एक चीज और बच्चों Uh, कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़, नए जुड़े हैं तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस ई कैरेपोन ऐप का जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज प्लीज वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विदाउट एनी स्पेस ई कैरेपोइ आपको टाइप करना है ई कैरेपोन लिखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और इस हमारे कैरेपोन का जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा वेरी बेनिफिशियल बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आप ई e कैरेपोन का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे या हमारे पेड कोर्सेज भी हैं कुछ हमारे यहां पर फ्री स्टफ में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे फ्री स्टफ के अंदर तो जल्द से जल्द सब बच्चे पहले जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज वो डाउनलोड कर लीजिए हमारे इस ई कैरमेंट ऐप को ओके और जो भी बच्चे अभी इलेवेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर लिया है और आगे ट्वेंटी में वो जेई का एग्जाम देना चाहते हैं नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या जो नाइन्थेंथ क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए एन टी एस सी एग्जाम आप देना चाहते हैं हैं उन सब के लिए हमारे कोर्सेज कोर्सेज चल रहे हैं। ये आप ले सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और ये सारे कोर्सेज आपको हमारे इस ऐप e पर अवेलेबल होंगे रेगुलर क्लासेस चलती है और कोटा की टॉप फैकल्टी बेस्ट फैकल्टीज होती हैं वही सारी फैकल्टीज इन क्लासेस को लेती है ठीक है तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आप इस कूपन कोड का यूज कीजिएगा एसकेजी टेन तो कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं आपके भाई बहन हो सकते हैं आपके रिलेटिव स्टडी मटेरियल की हम 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 बात 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 करें 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 टेस्ट सीरीज की की या कोई भी कोर्स सभी में ये कोड एप्लीकेबल है तो एसकेजी टेन कोड का यूज कीजिए आपको जो भी कोर्स आप परचेस करते हैं जो मटेरियल आप लेना चाहते हैं जो टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं सभी में आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा याद रखिएगा इसके जो लास्ट डेट है वो तीस जुलाई है तीस जुलाई तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा ठीक है बच्चों चलिए शुरू करें तो एक बार मेकश्योर की सब बच्चों ने ज्वाइन ज्वाइन कर कर लिया है यस लीजिए फिर पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर आने वाला है हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे लेकिन सबसे पहले सब बच्चों को मैं ज्वाइन कर लेना है और मेक श्योर कि आपने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है ओके चलिए करें शुरुआत हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करने वाले हैं नाउ द क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन ज्वाइन कीजिए सब बच्चों को यहां पर ज्वाइन काउंटिंग यहां पर चलती रहेगी सब बच्चों को ज्वाइन कर लेना है कोड इज फाइव फोर टू वन सेवन जीरो फाइव फोर टू वन सेवन जीरो इज द कोड ओके नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन तो आज का हमारे पहला क्वेश्चन है सब बच्चों को सोल्व करना है और जल्द से जल्द आंसर मार्क करना है यस गेम वीडियो वेलकम बेटा वेलकम अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए सब बच्चे सॉल्व करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस एटीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस फोर्टी ऑन द सेट एस इज हा मोहम्मद अजीम वेरी गुड आई एम बैक सर वेलकम बेटा वेलकम वेरी गुड आफ्टरनून चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कीजिए ये सबसे बेस्ट तरीका है मेंटी क्विज आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करने का क्योंकि एग्जाम आपके सेप्टेंबर में है तो आपका पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व कीजिए बस आपका पूरे चुका रिवीजन होगा हर्षित बेटा आपको आंसर यहां पर पोस्ट नहीं करना है हर्षित प्लीज बी केयरफुल बेटा अगर आपको आंसर देना है आपका अब आप मैंटी डॉट कॉम पर आंसर दीजिए यहां पर कोई भी आंसर मार्क नहीं करेगा अब मैंटी ज्वाइन कीजिए वहां पर आंसर दीजिए हो सकता है इस क्विज के विनर आप ही हो थॉमस इज बेग सर हाँ वेलकम थॉमस काफी बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए थे वो सब वापस आ गए वेरी गुड वेरी गुड यही चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्विज को ज्वाइन कीजिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है यार आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा यस yes, अपने आंसर मार्क करते हुए चलिएगा जितना जल्दी आंसर मार्क करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे वेरी गुड ओनली टेंकंड लेफ्ट उल्टी गिनती चालू हो चुकी है यस तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है या सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है 24 में से 11 ने सही जवाब दिया है 13 ने गलत आंसर दिया है ये तो इजी क्वेश्चन था यार है ना ये तो सबका सही होना चाहिए था सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और यार बहुत से बच्चे अभी भी चैट बॉक्स पर आंसर मार्क करते हैं चैट बॉक्स पर किसी को भी आंसर मार्क नहीं करना है प्लीज 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 आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मंजर आलम गेम वीडियो बेटा आपको आंसर यहां पर पोस्ट नहीं करना है आपको आंसर मैंटी पर ही देना है आप गूगल पर जाइए मैंटी लिखिए और अपना आंसर कोड नंबर यूज कीजिएगा फाइव फोर टू वन सेवन जीरो इस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए अपना आंसर वहां पर मार्क कीजिए हो सकता है आप इस क्विज के विनर बन जाए ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी ऑप्शन ये देखते हैं कि सबसे जल्द किस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था तो कंप्यूटर जी बता दीजिए भाई कि सबसे जल्दी किस स्टूडेंट का आंसर दिया था यस वेरी गुड इब्रार जैदी बिल्कुल बिल्कुल इब्रार जेदी देखिए इतने क्विज में इसका नाम नहीं था इब्र ने आज ज्वाइन किया है और आज के इस पहले क्वेश्चन का सबसे जल्द आंसर दिया है इब्रार केजी ने वेरी गुड वेल डन बेटा इब्रार वेल डन वेल डन वेरी गुड वेल डन चलिए अब आपको हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता देते हैं इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक फंक्शन आपको की है मैक्सिमम वैल्यू की बात चल रही है सबसे पहले आप यहां पर फाइंड कीजिए एबडेश अगर हम F X पर फाइंड करते हैं आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन ओके नाइन आप यहां से कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस यहां पर कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस यहां पर आपको कितना मिलेगा थ्री मिल जाएगा अब इसके हम यहां पर क्या करते हैं फैक्टर कर देते हैं एनी डाउट अब आप इसके यहां पर फैक्टर कर लीजिए और हमें यहां पर इस वाली रेंज में बात करनी थी अगर हम इस वाली रेंज में बात करते हैं तो ये कितना गीवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स लेस देन इक्वल टू इलेवन एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी ओनली थर्टी यहां पर ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी यहां पर है तो एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस थर्टी आपको मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो और जैसे आप इसका फैक्टर करेंगे x -6, x लेस देन इक्वल टू टू सो बिलोंग्स अब आप देखिएगा इस इंटरवल फाइव कोमा सिक्स में इस फंक्शन का जो वैल्यू आपको मिलेगा ये वैल्यू आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा आप चेक कर लीजिए फाइव कोमा सिक्स इंटरवल के, के बीच में ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू यहां पर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा ये वैल्यू यहां पर आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा 3x3 -18x2 +27x. अब हमें यहां पर क्या करना है अब हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करना है ठीक है चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉरी यहां पर आ, नाइन हमने कॉमन लिया था यहां पर फोर आएगा वन मिनट यहां फोर आपको मिलेगा सो so, नाइन इसके फैक्टर कितने होंगे एक्स माइनस वन x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो तो एफ डे एक्स यहां पर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा इस इंटरवल में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और अगर ये यहां पर ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मीनिंग फंक्शन एफ एक्स कौन सा होगा एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा जब एक्स इक्वल होगा इक्वल टू सिक्स होगा क्योंकि फंक्शन कौन सा है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब आप इसमें X का वैल्यू पुट पुट कर देंगे तो इस फंक्शन में आप X का वैल्यू वैल्यू कीजिए आपको यहां से मैक्सिमम मिल जाएगा सिक्स पुट कर दीजिए आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा यहां पर 122K. 122 के 122 दैट टू सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन इंटरवल की बात चल रही थी इंटरवल की बात चल रही थी तो इस में आप चेक फंक्शन है? है, में और आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है बच्चों आगे समझ में हाँ क्वेश्चन इजी है बट फिर भी आप देखिएगा इलेवन ने सही जवाब दिया थर्टीन ने गलत जवाब दिया गलती नहीं होना चाहिए चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू नंबर टू सब बच्चों को सॉल्व करना है फंक्शन एफ एक्स जीएस गी वन है और एच एक्स भी गी वन है तो हमें यहां पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है फंक्शन एच ऑफ एक्स का सफिशियंट आपके पास में है सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चों को आंसर मार्क करना है और आंसर मेंटी पर ही देना है यस सोमिल मैंने मना किया बेटा आंसर चैट बॉक्स पर मार्क नहीं करना प्लीज डोंट पोस्ट यूर आंसर ऑन द चैट बॉक्स आप मेंटी पर आइए वहां पर अपना आंसर मार्क कीजिए 40 सेकेंड लेफ्ट देखते हैं इस बार कौन सबसे जल्द इस क्वेश्चन का आंसर देता है डिफिकल्ट नहीं है इजी क्वेश्चन है और सफिशियंट टाइम आप लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए वेरी गुड आंसर मार्क करते चलिए जल्द से जल्द 20 सेकेंड लेफ्ट ऑनली यस yes, उल्टी गिनती शुरू थ्री टू वन एंड द टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है हमारा ओनली सेवन स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है बाकी ट्वेंटी वन ने गलत दिया है वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था यार और ये क्वेश्चन यस प्रीवियस जेई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है ये प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है उसके बावजूद आप लोगों ने गलती कर दी इस क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ऑप्शन नहीं है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अब इतनी इजी क्वेश्चन में इतनी मिस्टेक नहीं होना चाहिए था यस yes, चेक कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट ने सबसे जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दिया था तो कंप्यूटर जी जल्द से जल्द उसका नाम डिस्प्ले कीजिए लीडर बोर्ड पर यस yes, तो सबसे जल्द आंसर दिया है मोहम्मद अजीम ने वेरी गुड मोहम्मद अजीम वेल डन वेल well डन मोहम्मद अजीम ने भी आज ही हमारे साथ क्विज ज्वाइन किया है बिल्कुल तो इस बार क्विज की आज के इस क्विज में बिल्कुल नए नए नाम यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड मोहम्मद अजीम ठीक है चलिए अब आपको सोल्यूशन बताते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने गलती की थी यार हम यहां पर फंक्शन एच एक्स की बात करते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और जी एक्स फंक्शन यहां पर है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये जी एक्स फंक्शन है इसको हम चेंज कर देते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होली स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स इस तरीके से इसको यहां पर हम लिख लेते हैं सेपरेट कीजिए जैसे आप सेपरेट करेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया तो हमें इस वाले फंक्शन की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है थीके? सब बच्चों को सॉल्यूशन भी समझना है क्योंकि मैक्सिमम ने गलत आंसर दिया था सॉल्यूशन समझना जरूरी है सॉल्व कैसे करेंगे अब अगर हम एम की बात करते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन चलिए जी हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स कैंसिल आउट कर दीजिए एम के लिए बाई टू भी करेंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू सो मिनिमम वैल्यू इज टू रूट टू बिल्कुल एम जीएम का ही हमें यहां पर यूज करना है ओके okay, डीएम समझ में आ गया अब देखिए लेंदी क्वेश्चन नहीं है नहीं है लेंदी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है प्रीवियस जेम इन एग्जाम का क्वेश्चन है मुझे तो यह पता था कि प्रीवियस जेम इन एग्जाम का क्वेश्चन है सबको आंसर पता होगा सीधे सीधे मार्क कर देंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी है प्लीज बी केयरफुल चले आगे यस नंबर थ्री पर चलते हैं हाँ जी नंबर थ्री पर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर सब्जेक्टेड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन यस सॉल्व कीजिए दो मिनट का टाइम है दो मिनट बहुत होते हैं सफिशियंट है सब बच्चों को सॉल्व करना है सॉल्व करते जाइए अपना आंसर मॉक करते चलिए मैंटी पर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है शुभसीना बेटा यहां पर पोस्ट नहीं करना है आपको आंसर प्लीज कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स पर आंसर मार्क नहीं करेगा किसी को भी चैट बॉक्स पर आंसर मार्क नहीं करना है अगर आपने सॉल्व कर लिया है आप मैंटी पर ही अपना आंसर मार्क करेंगे ठीक है गूगल पर जाइए मैंटी को ज्वाइन कर लीजिए एंड द यूथ कोड फाइव यस, थर्टी फाइव लेफ्ट जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए भाई सबको आंसर मार्क करना है सभी को आंसर मार्क करना है रैंकिंग तो बिल्कुल चेंजेस होगी ही होगी क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो रैंकिंग तो चेंज होना ही होना है इसलिए आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व करना है नाउ द टाइम इज ओवर यस टाइम इज ओवर ओनली टेन स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है एटीन का गलत है यार फिफ्टी परसेंट वाला क्राइटेरिया मुझे कम से कम फिफ्टी परसेंट तो चाहिए ही चाहिए ठीक है ओनली टेन का सही जवाब है 18 ने गलत आंसर दिया है यह बहुत पुअर परफॉर्मेंस है इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वाला ठीक है चलिए पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसके बाद बताएंगे कि सबसे जल्द किसने आंसर दिया था तो एक बार पहले हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं इसका फाइंड करना है हमें यहां पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन ये हमारे पास मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं सोल्व करने का जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं दो वेरिएबल है यहां से वाई का वाली इसे पुट कर देते हैं और फिर करते हैं वो डिफिकल्ट हो जाता है एक बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन क्या है टू वन एक काम करते है, एक थीटा ले 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 हैं और वाई को साइन थीटा ले लेते ले 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 हैं ऐसा करने पर ये पूरा फंक्शन ऑफ थीटा में चेंज हो जाएगा एक्स को कोस थीटा सेवन कोस स्क्वायर ठीटा प्लस फोर साइन थीटा कोस ठीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से आप यहां पर लिख लीजिए नाउ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू यस सेवन कोस स्क्वायर थीटा ये टू साइन टू थीटा हो जाएगा क्योंकि टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा होता है प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा है इसको वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फोर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टूट साइन टू थीटा प्लस यहां पर आपको मिलेगा थ्री नेक्स्ट वाली स्टेप में आप देखिएगा फोर कोस स्क्वायर थीटा अब इस फोर कोस स्क्वायर थीटा को भी हम यहां पर चेंज कर देते हैं तो अगर फोर कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको आप यहां पर लिखिएगा टू वन प्लस कोस टू थीटा क्योंकि फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू थीटा इस फॉर्मुले का यहां पर यूज करना है प्लस टू साइन टू थीटा प्लस थ्री तो फाइनली आपके पास आएगा यहां पर टू कोस टू थीटा प्लस टू साइन टू थीटा प्लस थ्री और इस पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जब हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री दैट मीनस टू रूट टू प्लस थ्री आएगा और जब मिनिमम की बात करेंगे तो माइनस टू रूट टू प्लस थ्री आ जाएगा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पर मैच हो रहा है और वही इसका आंसर होगा सॉरी टू प्लस थ्री यहां पर फाइव हो जाएगा यस हाँ जी बिल्कुल हमने करेक्शन कर दिया है यहां पर होगा फाइव टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा ये ये होगा इसका आंसर तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है जी बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो एक्स वाई में चेंज मत कीजिए में चेंज कीजिए साइन कोर्स में चेंज कीजिए आपका क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा आपका आंसर है यस सबको आ गया समझ में चलिए तब देख लें कि सबसे जल्द किसने आंसर दिया था तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे जल्दी जिस उसने आंसर दिया है उसका नाम है कंप्यूटर महाशय जी जल्द से जल्द डिस्प्ले कीजिए भाई कि सबसे जल्द इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था दीपक वर्मा ने वेरी गुड दीपक वर्मा वेल डन दीपक वर्मा मोहम्मद अजीम इब्राहार जेदी अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तीन बच्चों ने दिए हैं ठीक है तो तीनों में नाम अलग अलग आए फोर्थ में भी नाम चेंज होना चाहिए फोर्थ में भी नाम चेंज होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए अर्जुन प्लीज बेटा सर मैंटी ज्वाइन कैसे करें आप गूगल पर आइए और गूगल पर आप टाइप कीजिए मैंटी डॉट कॉम गूगल पर आपको लिखना है menti.com ठीक है जैसा menti.com पर पहुंचेंगे आपसे कोड नंबर मांगा जाएगा आप कोड नंबर लिखिए फाइव फोर टू वन सेवन जीरो कोड नंबर लिखिए आप इसको यहां पर ज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट नंबर फोर वैल्यू ऑफ ए फोर विच ऑल एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन लाइज इन द इंटरवेल टू कमा फोर हमें एक ही वो वैल्यू बता रही है जिसके लिए इस फंक्शन के मैक्सिम मिनिमा जो भी है जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है वह हमेशा इंटरवेल टू कमा फोर में लाई करते हैं जिन भी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिम मिनिमम होगा वो पॉइंट हमेशा टू फोर के बीच में लाई करेंगे यहाँ पर माइनस टू फोर है प्लीज करेक्शन यहां पर आप इसको माइनस टू फोर कर लीजिएगा इंटरवेल माइनस टू कोमा फोर इंटरवेल इज माइनस टू कोमा फोर ओके यहां पर इंटरवेल माइनस टू कोमा फोर है इंटरवेल इज माइनस टू फोर फिर सॉल्व कीजिएगा इंटरवेल माइनस टू को मा फोर टेन यस yes, जल्द से जल्द आप लोग कौन सा मार्क करना है टाइम होने वाला भाई नाउ द टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम्स 16 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है और टेन का गलत आंसर है ठीक है अब सबसे जल्द किसने आंसर दिया था वो देख लेते हैं तो सबसे जल्दी आंसर देने वाले स्टूडेंट्स हैं नाम बताइए भाई कंप्यूटर जी कि सबसे जल्द किस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था यस yes, अगेन दीपक वर्मा नाम चेंज नहीं हुआ वा मैंने आपको बोला था नाम चेंज होना जरूरी है लेकिन वापस से दीपक वर्मा ने इस क्वेश्चन का सबसे जल्द आंसर दिया है वेरी गुड दीपक वर्मा वेल डन वेल डन बिल्कुल वेरी गुड चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करते हैं आंसर कैसे आया यह देख लेते हैं एक बार हम पर माइनस टू कोमा फोर है मैंने आपको बोल दिया था क्वेश्चन सोल्व करते वक्त किसका माइनस टू कर लीजिएगा ये माइनस टू कोमा फोर है क्वेश्चन सोल्व करते देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए यहां पर हम फाइंड करते हैं और फिर इस F -X को इक्वल जीरो कर देते हैं इस कंप्लीट में से थ्री कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस वन ये इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हम यहां पर करेंगे फैक्टर तो जैसे इसके हम यहां पर फैक्टर करेंगे इसके दो फैक्टर यहां से आपको मिलेंगे x माइनस ए माइनस वन ये दो फैक्टर यहां से आपको मिल जाएंगे तो अब हमारे पास x की टू वैल्यूज आती है एक वैल्यू होगा ए प्लस वन और एक वैल्यू होगा ए माइनस वन अब ये जो ए प्लस वन है ये ए प्लस वन माइनस टू से फोर के बीच में है ए प्लस वन इज लाई बिटवीन माइनस टू एंड फोर सिमिलरली ए माइनस वन इज लाई बिटवीन माइनस टू एंड फोर सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे माइनस वन हम यहां पर करेंगे तो ए का वैल्यू होगा माइनस थ्री से थ्री की रेंज में और यहां से ए का वैल्यू कितना होगा का वैल्यू यहां पर होगा वन से फाइव की रेंज में ये हमारे पास यहां पर ए की रेंज होगी अब क्या करते हैं इसके बाद हम यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और माइनस थ्री थ्री वन फाइव का कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं माइनस थ्री थ्री वन एंड फाइव ये माइनस थ्री टू थ्री वन टू फाइव देन द कॉमन पार्ट इज लाई बिटवीन वन एंड थ्री द कॉमन पार्ट इज लाइ बिटवीन वन एंड थ्री ये इसका आंसर आएगा एक बार और चेक कर लेते मिस्टेक uh, तो नहीं रहेगा सॉरी यहां पर माइनस वन सॉरी डी आर हि माइनस वन और यहां पर आ जाएगा ये फाइव माइनस वन टू फाइव सॉरी माइनस वन टू फाइव तो माइनस वन और यहां पर कितना आ गया फाइव सो आंसर विल बी माइनस वन एंड थ्री ओके okay, यहां पर माइनस वन है ये माइनस वन आएगा तो आंसर होगा माइनस वन से थ्री दिस इज द आंसर लैंग्वेज पढ़ी इक्वेशन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ज्यादा लेंथी नहीं है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं सफिशियंट टाइम आपके पास में है सॉल्व कीजिए सबको जवाब देना है सबको आंसर देना है क्योंकि क्विज का विनर वही बनेगा जो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा यस जल्द से जल्द सॉल्व करते चलिए और अपना आंसर मार्क करते चलिए मैंटी पर वेरी गुड मोहम्मद अजीम वेरी गुड जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो मार्क करते चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया उन्हें डन मार्क कर दिया मोहम्मद अजीम है उज्जवल कुमार है सुशील कुमार महापात्र है दीपक वर्मा है वेरी गुड जो भी सॉल्व करता जाए वो डन मार्क करते चलिए ताकि और बच्चों को पता लग जाएगा कि हा इन लोगों ने सोल्व कर लिया वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे सोल्व करने की नाउ द टाइम इज ओवर टाइम सप टाइम इज ओवर यस 11 का जवाब सही है 17 का गलत है 50 परसेंट का क्राइटेरिया क्रॉस कीजिए यार क्रॉस कीजिए कैसे भी करके ओनली 11 स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है और 17 स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग है इतनी बड़ी गलती नहीं होना चाहिए यार इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होना चाहिए ठीक है जब मैंने बोला क्वेश्चन अगर इजी है सिंपल है लेंदी नहीं है सफिशियंट टाइम आपके पास में फिर तो आंसर सही आना चाहिए था कोई बात नहीं आप थोड़ा लेट आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर सही दीजिए आंसर सही दीजिए ठीक है तो सबसे जल्द किन्होंने आंसर दिया है देख लेते हैं तो सबसे जल्द जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो है कहीं दीपक वर्मा तो नहीं आ रहा वापस से चलिए मोहम्मद अजीम तो सबसे जल्दी आंसर दिया है मोहम्मद अजीम ने वेरी गुड मोहम्मद अजीम वेल डन वेल डन वेरी गुड नाम चेंज करो यार बार बार मोहम्मद अजीम आ जाता है कभी दीपक वर्मा आ जाता है बाकी और भी तो हैं इनका भी नाम यहां पर आना चाहिए सबसे जल्द आंसर देने में सॉल्व है। करते हैं इस वाली इक्वेशन को फंक्शन आपको गिवन है एग्जैक्टली वन मैक्सिमम मिनिमा इसके अंदर तो क्या करते हैं पहले फाइंड करते हैं f -x, आ जाएगा माइनस सिक्स टू प्लस लेमडा एक्स प्लस ट्वेल्व लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है बच्चों सिक्स कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ये टू प्लस लेमडा है यहां पर टू प्लस लेमडा एक्स प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो जैसा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके फैक्टर होंगे टू और लेमडा आ गया मेरा आंसर बस खत्म क्वेश्चन ही सोल्व हो गया इतना छोटा सा क्वेश्चन था यार उसमें आप लोगों ने गलती कर दी एक्स का वाली टू और लेमडा मेरे पास आ गया क्या बोला गया हैज एक्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमम एंड वन लोकल मिनिमम केवल एक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है इसका मीनिंग हो गया कि लेमडा की वैल्यू तो कभी टू के इक्वल हो ही नहीं सकती लैमडा कभी भी टू के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि केवल एक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है तो अगर लेमडा टू के इक्वल नहीं है तो देखिए ऐसा कौन सा सेट है जिसमें लेमडा टू के इक्वल नहीं होगा पता करते हैं लेमडा नॉट इक्वल टू टू इसमें तो आता है यार लेमडा इक्वल टू टू इसमें भी टू आता है हां जी बिल्कुल सही बात है सी ऑप्शन के अंदर लेमडा इक्वल टू टू नहीं आता लेमडा टू के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेमडा की वैल्यू टू के इक्वल नहीं होती नहीं भाई ये नहीं लेंगे इसके अंदर इसमें तो लैमडा का वैल्यू टू भी आ जाएगा डी ऑप्शन नहीं है ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है, बेटा इसमें बोला गया ना लो वन लोकल मैक्सिमम वन लोकल मिनिमा, तो दोनों तो रूट यहां पर सेम नहीं हो सकते तो लैमडा का वैल्यू कभी भी टू के इक्वल नहीं होगा कभी भी टू के इक्वल नहीं होगा लेमडा का वैल्यू टू के अलावा और कुछ हो सकता है लेकिन टू तो कभी भी नहीं हो सकता नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यस सॉल्व करेंगे मिश्रा बेटा ये तो जेई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है और वैसे मैक्सिमम मिनिमा जो है ये ट्वेल्थ क्लास का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और टाइम लगेगा सॉल्व करने में इसलिए मैंने आपको टाइम भी दो मिनट का दिया है सफिशिएंट टाइम है आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं सब बच्चों को मैथ्स वन जीरो वन आंसर यहां पर पोस्ट नहीं करना बेटा विवेक सिंह कोई भी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स पर आंसर मार्क नहीं करेगा प्लीज डोंट पोस्ट योर आंसर ऑन चैट बॉक्स अब मेंटी पर अपना आंसर मार्क कीजिए यस yes, सब बच्चों को सॉल्व करना है और आंसर मार्क करना है जल्द से जल्द हां जिन्होंने सॉल्व कर लिया डन मार्क कर दी बॉक्स पर कि सर कि सर हमने सॉल्व कर लिया है आप डन मार्क कर सकते हैं चैट बॉक्स पर जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है थर्टी सेकेंड लेफ्ट वेरी गुड वेरी गुड जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए फंक्शन लॉगरिथम में आपको गिवन है नाउ द टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है 11 का गलत है ठीक है आपने जो 50 परसेंट वाला क्राइटेरिया था उसको क्रॉस तो किया वेरी गुड लेकिन बने हुए रहना चाहिए यार है ना अब डाउन कभी भी नहीं आना है फिर इससे वेरी गुड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अब देखते हैं बी ऑप्शन कैसे आएगा हम अभी सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करते हैं अगर ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा तो कंप्लीट फंक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा तो इस वाले फंक्शन को हम जी एक्स एज्यूम कर लेते हैं फोर एक्स क्यूब माइनस

इसका मीनिंग फंक्शन जो है ये जी फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा और अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो जी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कब होगा जब एक्स का वैल्यू थ्री होगा सो मैक्सिमम वैल्यू तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर हम एक्स का वैल्यू थ्री पुट कर देंगे फंक्शन में एक्स का वैल्यू थ्री पुट कीजिए थ्री पुट करने पर आपको मिलेगा थर्टी लेकिन ये तो जी फंक्शन की बात है आपको क्वेश्चन क्या की बने फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स चलिए फाइंड करते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू नाउ एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना है आपके पास ये लॉग बेस टेन और आप इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और वो वैल्यू कितना था जी बिल्कुल वो वैल्यू थर्टी था यहां पर आ जाएगा लॉग बेस टेन इसको लिखिए थ्री इंटू टेन लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम प्लस लॉग एन और जैसे ही आप यहां पर लॉग m प्लस लॉग एन की बात करेंगे यहां पर ही यह आपको वन मिल जाएगा क्योंकि बेस भी टेन है नंबर भी टेन है तो लॉग का वैल्यू वन के इक्वल हो जाता है लॉग थ्री बेस टेन प्लस वन इज द करेक्ट आंसर ढूंढिए भाई कौन सा ऑप्शन है आगे नजर यस बी इज द राइट आंसर नहीं है यार लेंदी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं है लेकिन सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा का ठीक है चलिए तो सबसे पता कर लेते हैं कि भाई सबसे जल्द किस स्टूडेंट इस ने इसका आंसर दिया था जी कंप्यूटर जी बताइए कि सबसे जल्दी किस स्टूडेंट इस ने इसका आंसर दिया था नाम चेंज हो जाना चाहिए अरे यार वापस से मोहम्मद अजीम आ गया तो मोहम्मद अजीम ने सबसे जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वेरी गुड मोहम्मद अजीम पूरा गेम चेंज हो चुका है जो हमारे पहले क्विज हुआ करते थे उसमें विनर अलग होते थे नाम अलग होते थे और आज के इस क्विज में पूरी मैथमेटिक्स चेंज कर दी बच्चों ने आकर के ठीक है वेरी गुड तो दीपांशु टॉप पर चल रहे हैं सुशील कुमार वहां सेकंड पोजीशन पर सुशील कुमार हमेशा बहुत अच्छा करते हैं वेरी गुड सुशील कोई बात नहीं कर सबसे जल्द आंसर नहीं दे रहे लेकिन हम हर क्विज़ में बहुत अच्छा करते हैं वेरी गुड वेल डन थर्ड पोजीशन पर है मोहम्मद अजीम नेक्स्ट यस क्वेश्चन नंबर सेवन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अब अगर मैंने वेरी सिंपल बोल दिया तो जल्द से जल्द आंसर भी आ जाना चाहिए यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी रैंकिंग में आपको ऊपर लेकर के आ सकते हैं सोल्व कीजिए इनको और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था हमारा वैसा ही क्वेश्चन है सेकंड या थर्ड वेरी गुड काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया उन्हें मार्क भी कर दिया है वेरी गुड वेल डन बेटा वेल डन सफिशियंट टाइम है सॉल्व कीजिए सही सॉल्व कीजिए 20 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली 20 सेकेंड्स लेफ्ट स्पीड से और एक्यूरेसी ही सॉल्व करना है जल्दी भी करना है और गलती भी नहीं होना चाहिए दोनों ही आपको मैनेज करके चलना बैलेंस करके चलना है नाउ द टाइम इज ओवर ओनली टेन स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है सेवेंटीन ने गलत दिया है फिर हम फिफ्टी परसेंट से नीचे उतर के आ गए बड़ा अप एंड डाउन चलता है हमारी परफॉर्मेंस में ओनली टेन स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दिया रिमेनिंग ने सबने गलत आंसर दिया है सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस तो देखते हैं भाई सबसे जल्दी किसने आंसर दिया है मोहम्मद अजीम देखते हैं मोहम्मद अजीम है क्या मुझे तो मोहम्मद अजीम का डाउट लग रहा है तो सबसे जल्दी आंसर दिया है यस वंस अगेन मोहम्मद अजीम वेरी गुड वेल डन वेल डन हैट्रिक तो मारी थी ठीक है ना सॉरी हैट्रिक नहीं मारा लेकिन कंटिन्यूसली दो बार तो आ चुके हैट्रिक के चांस इनके बनते हैं तो मोहम्मद अजीम ने सबसे जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं दोनों बच्चे देखो 4974, 4974 इक्वल पोजीशन चल रही है दीपांशु एंड मोहम्मद अजीम में बड़े कांटे की टक्कर है आगे आने वाले तीन क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे कि स्क्विज का विनर कौन होगा चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको फोर गिवन वन है तब एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू लिखते हैं टू कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू हम यहां पर लिखते हैं टू साइन थीटा तब यहां पर फंक्शन कितना बन जाएगा हमारे पास नाउ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व कोस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा प्लस सिक्स अगर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू तो इक्वल होगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स ओके थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन और अगर हम बात करते हैं यहां पर मिनिमम वैल्यू का देन मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एनी डाउट मिनिमम वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा माइनस और यहां पर कितना लिखेंगे थर्टीन प्लस कितना आएगा ये थर्टीन सॉरी वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव यहां पर आ जाएगा वन मिनट थोड़ा करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा करेक्शन है हाँ, करेक्शन कर देते हैं भाई मैं करेक्शन कर रहा हूं इसके अंदर टू कोस थीटा ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर कोस थीटा करेक्शन कर देते हैं प्लस टेन साइन थीटा प्लस सिक्स आपको यहां पर मिलेगा यस yes, कर दिया हमने करेक्शन तो अब अगर आपको यहां पर फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हो जाएगा ट्वेंटी फोर स्क्र दैट मीन फाइव सेवनटी सिक्स प्लस यहां पर आ जाएगा हंड्रेड प्लस सिक्स और अगर आप यहां पर बात करते हैं मिनिमम वैल्यू का तो माइनस ऑफ अंडर उवेंटी सिक्स प्लस हंड्रेड और प्लस यहां पर कितना मिलेगा आपको सिक्स मिल जाएगा ठीक है सॉल्व कीजिए आपको यहां से आंसर मिल जाएगा आंसर इज बी ऑप्शन माइनस टेन माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और यह आएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू थर्टी टू दिस इज द आंसर सो मैक्सिमम वैल्यू इज थर्टी टू एंड मिनिमम इज माइनस ट्वेंटी यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों आ गया समझ में अब देखो यार क्वेश्चन लेंदी नहीं है बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहां पर दिमाग लगाना है और फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेना है ठीक है बच्चों समझ में आ गया चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट नंबर एट वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन आज के इस क्वेश्चन का सबसे इजी क्वेश्चन है ये आज के इस क्विज का सबसे इजी क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे क्विज यस देखते हैं सबसे जल्द कौन आंसर देता है इसका और सॉल्व सबको करना है सभी का आंसर सही भी होना चाहिए यार इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा आज के इस क्विज में है ना तो आंसर सभी का सही होना चाहिए वेरी गुड आंसर मार्क करते चलिए सभी को मार्क करना है सभी को सॉल्व करना है यस yes. सेकेंड्स लेफ्ट मार्क करते चलिए वही नंबर इंक्रीज होता जाना चाहिए यहां पर जल्द से जल्द टेन सेकेंड बचे हुए यस क्योंकि यही क्वेश्चन में आपकी रैंकिंग में काफी चेंजेस आने वाले हैं एंड द टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम्स अप देखते हैं सबसे ज़... कितने यार सिर्फ बारह ने सही जवाब दिया तेरा ने गलत दिया है यार इतना इजी है, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए था एक बड़ा सिंपल सा भी बिलो आपकी रही इस वाले में। और मैं तो समझ रहा था कि यार इस बार एटी परसेंट का तो आप हिट मार कर ही जाओगे वेरी पुअर और सबसे जल्दी किसने आंसर दिया है जी बिल्कुल बता दीजिए भाई कंप्यूटर जी यस yes. तो सबसे जल्द आंसर दिया है दोनों ने क्या जबरदस्त पॉइंटिंग चल रही है आप देखो फाइव नाइन सिक्स एट फाइव नाइन सिक्स एट इसको कहते हैं कड़ा मुकाबला इसको कहते हैं कड़ा मुकाबला दोनों ने एक ही टाइम पर इसका आंसर दिया था और दोनों ने सबसे जल्द आंसर दिया दीपांशु ने और मोहम्मद अजीम ने और देखिए दोनों के पॉइंट बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं फाइव नाइन सिक्स एट फाइव नाइन सिक्स एट इक्वल इक्वल चल रहे हैं दोनों दो क्वेश्चन अभी और बाकी हैं डिसाइड करने वाले हैं कि विनर कौन बनेगा आज के हमारे इस क्विज का वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीपांशु एंड मोहम्मद अजीम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अरे यार भाई सीधा सीधा लगा दो कि एम का वैल्यू हमेशा जीएम के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है अगर अब अरिथमेटिक मीन की बात करोगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई अपॉन टू ये तो अरिथमेटिक मीन है और अगर यहां पर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का

और टाइम भी आपको सफिशियंट मिला था आराम से सोल्व कर सकते थे सही आंसर कर सकते थे लेकिन फिर भी बहुत पुअर वेरी पुअर इस क्वेश्चन में तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बच्चे इसका सही आंसर देंगे ओके डियर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन कंपटीशन बहुत टफ चल रहा है दीपांशु और मोहम्मद अजीम के बीच में देखते हैं विनर कौन बनता है यस नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन एक्स आपको है, इस की इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू बतानी है हमें फंक्शन का लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है चलिए सॉल्व कीजिए बिल्कुल कड़ा मुकाबला चल रहा है गेम के अंदर बिल्कुल विनर कोई भी बन सकता है फिशियंट टाइम है आराम से सॉल्व कीजिए फंक्शन एफेक्ट्स आपको गिवन है तो गिवन इंटरवल में आपको फाइंड करना है इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू <coughs> माधव रेडी मेंटी कोड बेटा मेंटी कोड लिखा हुआ है यहां पर फाइव फोर टू वन सेवन जीरो और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया यार प्रेस द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे क्लास में लाइक का बटन प्रेस करके जल्द से जल्द नाउ द टाइम इज ओवर टाइम्स ओनली सिक्स वेरी बैड सेवेंटीन का आंसर गलत है ओनली सिक्स स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है सेवनटीन ने गलत आंसर दिया है ये तो बहुत पुअर हो गया यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ठीक है चलिए आपको पहले सॉल्यूशन बताते हैं फिर ये बताएंगे कि सबसे जल्द किसने आंसर दिया था थोड़ा सस्पेंस छोड़ते हैं भी आपके लिए अरे भाई जब आप जैसे आप इसका एपडेट एक्स करोगे लेबनी स्योरम से तो यहां पर आपको मिलेगा ये थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉश एक्स हमें पता करना है ये जीवन है आपको इंटरवल देखिए बच्चों ये जो इंटरवल है ये पता करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है ठीक है इसको पता करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है तो ये जो है ये यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट है आप चेक कीजिएगा ये है थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है साइन भी नेगेटिव होता है इसका मीनिंग एफडे सेक्स लेस देन जीरो हो जाएगा जीरो होने का मीनिंग फंक्शन कौन सा होगा डिक्रीजिंग और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगा जब एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर हो जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे यहां पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे फाइव पाई बाई फोर पर सो इंटीग्रेशन फाइव पाई बाई फोर और यहां पर भी आपको कितना गिवन है फाइव पाई बाई फोर अब इसको हम यहां पर करेंगे सिंप्लीफाई थ्री साइन एक्स प्लस फोर को सिक्स लेस देन जीरो आ गया सॉरी हमें यहां पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पर तो होगा मैक्सिमम और यहां पर कितना होगा मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम फाइंड करना है हमें बिल्कुल तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिएगा मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम आपको वैल्यू मिलेगा फोर पाई बाई थ्री पर फोर पाई बाई थ्री और यहां पर फंक्शन कौन सा है थ्री साइन टी प्लस फोर cos डी टी इंटीग्रेशन कीजिए आपको यहां से आंसर मिल जाएगा ठीक है बच्चों इज इंटीग्रेशन माइनस थ्री तो ये होगा आपके पास कोस टी फाइव पाई बाई फोर टू फोर पाई बाई थ्री प्लस फोर और कोस टी में कितना हो जाएगा साइन टी कहां से फाइव पाई बाई फोर से टू कहां तक होगा फोर पाई बाई थ्री तक कर लीजिए सॉल्व आंसर आ जाएगा हाँ, बिल्कुल लिस्ट वैल्यू में फाइंड करनी है फंक्शन डिक्रीजिंग है तो लिस्ट वैल्यू कहां पर होगा फोर पाई बाई थ्री पर हो जाएगा देखते हैं भाई कि सबसे जल्द किस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था तो नाई नंबर जो क्वेश्चन है इसका सबसे जल्दी आंसर दिया है बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है अब थोड़ा चेंज हो गया भाई दीपांशु ने लीड ले ली है और सबसे जल्द आंसर दिया है इसमें फोक्स स्टार इस ने सबसे जल्दी आंसर दिया है फोक्स स्टार ने वेरी गुड वेल डन वेल डन और अगर उनका नाम नाम चेंज कर देते हैं तो उनका ओरिजिनल नेम यहां पर क्लिपी है कॉन्ग्रेचुलेशन चलिए भाई आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर दस जो डिसाइड करेगा कि आज के हमारे इस क्विज का विनर कौन बनने वाला है सॉल्व कीजिए इजी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है सफिशियंट टाइम आपके पास में है आप सॉल्व करेंगे और सब बच्चे सही आंसर देंगे यस विनर डिक्लेयर होने वाला है ध्यान रखिएगा सब बच्चों को सॉल्व करना है कल भी हमारा मेंटिक क्विज है कल मेंटिक क्विज में आप टॉपिक बता देता हूं कल भी हमारा मेंटिक क्विज होगा बिल्कुल इसी टाइम पर दिन में एक बजे और कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस से तो कल आपका मेंटी क्विज है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इसका कल आपका क्विज होगा मेंटी का बिल्कुल दिन में एक बजे इसी टाइम पर सॉल्व कीजिए लास्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है सफिशियंट टाइम मैंने आपको दिया है ताकि आपकी रैंक अच्छी ही आए खराब ना आए यस, फिफ्टीन सेकेंड्स लेफ्ट मेरे को भी इंतजार ही रहता है विनर का तो हमेशा वेट रहता है कि विनर कौन बनेगा आज का मेरे को बड़ा इंतजार रहता है नाउ द टाइम इज ओवर टाइम्स अप टाइम इज ओवर बताइए भाई रिजल्ट अरे यार क्या हो गया बैंड बज गया है तो सिर्फ छह ने सही जवाब दिया सत्रह ने गलत कर दिया ये तो यार बैंड बज गया इस तरीके से यार हमारा यार ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो एक बार पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसके बाद हम आज के इस क्विज का विनर डिक्लेयर करेंगे देखिए भाई एक लेडर है दीवार के सारे यहां पर खड़ी हुई है इसको एक्स मानते हैं इसको वाई मान लेते हैं और लेडर का जो लेंथ है वो आपको टेन मीटर यहां पर गीवन है टेन मीटर लॉन्ग तो रिलेशन आपके पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 100 की हो जाएगा number one. अब क्या खींच रहे सिरे को हैं इधर। इधर अगर इसके खींचेंगे तो इसकी हाइट यहां पर कम होती जाएगी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो आपको है, है। जो dx by dt है, जब इधर आगे खींच रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है तो डीएक्स बाई डी जो है ये dx dt पर आपको dx बाई डी टी नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डीवाईवाई डी की किस रेट से हो रहा है डिक्रीज dy वाई बाई डी टी तो डीवाई बाई डी टी जो है यहां पर डिक्रीज हो रहा है इसके लिए आपको यहां पर करना पड़ेगा माइनस फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है अब इसका कीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स नॉ टू एक्स डीएक्स बाई डी टी प्लस टू वाई डीवाई बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा जीरो वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए जैसे आप हम वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस टू वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो से आपको किसका वैल्यू मिलेगा वाई का और ये कितना होगा थ्री एक्स अपॉन फोर इस थ्री एक्स अपॉन फोर को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में पुट इन द इक्वेशन नंबर वन और जैसे आप यहां पर वन में पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल सिक्स मीटर इसका आंसर होगा यस yes, तो वाई का जो वैल्यू है ये वाई का वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा सिक्स मीटर ये इसका सॉल्यूशन है ठीक है बच्चों तो चलिए हम क्विज का वेल डिक्लेयर करते हैं लेकिन इससे पहले दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है पहला अनाउंसमेंट तो यह कि कल हमारा वापस से मेंटिक क्विज होगा ओके okay, दिन में एक बजे और इसका टॉपिक होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दूसरा ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए कल हम एक आपके लिए सरप्राइज अनाउंसमेंट लेकर के आने वाले एक बिग अनाउंसमेंट है बिग अनाउंसमेंट है बहुत जबरदस्त कोर्सेज हम आपके लिए लेकर के आने वाले एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट है कल शाम को पांच बजे इसी चैनल पर यस प्रमोद सर भी होंगे एस एम सर भी होंगे इस अनाउंसमेंट के अंदर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम आप लोग के करने वाले हैं ठीक है थीके? तो हमारे साथ बन रहेगा यस कल इवनिंग में फाइव ओ क्लॉक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लिए करने वाले हैं ठीक है बच्चों चलिए तो आज के हमारे क्विज का विनर है कंप्यूटर जी विनर डिक्लेयर कीजिए और उसका नाम इस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दीजिए यस सो द विनर ऑफ टुडेज क्विज इज यस कौन होगा भाई बता दीजिए विनर इज दीपांशु गुप्ता वेल डन दीपांशु वेल डन वेल डन वेल डन सब लोगों ने बहुत अच्छा किया मोहम्मद अजीम है दीपक वर्मा है सुशील कुमार महापात्र है बहुत बढ़िया सब बच्चों ने सब बच्चों ने बहुत अच्छी किया है बट द विनर ऑफ द टूडेज क्विज इज दीपांशु गुप्ता एनी वेज की बी कोई बात नहीं और भी क्विज है कल भी हमारा क्विज है आगे भी क्विज होंगे आपका नाम भी जरूर यहां पर डिस्प्ले होगा मेहनत करते रहिए पढ़ाई करते रहिए ठीक है बच्चों So thank you, thank you very much and do your best. Thank you, bye bye.